आप तीनों बता दें तनख्वाह वक्त पर मिलने का वजीफा क्या है? वजीफा बताएं। वक्त पर मिलने का बताएं। नहीं, किससे मिलने है? मतलब हम किसी को भी मिलनी है, तनख्वाह वक्त पे कैसे मिले? वो वजीफा कुछ अमल बता दें, कुछ बता दें। वजीफे उसमें एक आम मतलब भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, वो आलिम भी हो सकता है, पढ़ने वो आलिम भी हो सकता है, उसके भी शायद पैसे फंसे हों। आपके मुल्क में एक रवाज पड़ गया है जिसको धरना कहते हैं। क्या कहते हैं? धरना। धरना धरना आपके यहाँ एक रवाज हो गया है, तो उसके लिए ये कि जो ऐसा है जिसको इख्तियार है उसके सामने धरना दिया जाए जी, और कसरत से उसके सामने बताया जाए उसको पढ़ के हाँ। कि किसी का हक मारना कितना बड़ा गुनाह है, मुख्तलिफ जबानों में उसको दोहराया जाए। जब उस फ्लोर पे सिर्फ तिलावत लगा दी जाए ताकि कुरान गूंजता रहे तो डर खौफ पैदा हो। अरबी में एक लफ्ज़ है हक़्क़ नास, बंदों का हक दो, ये अगर आप किसी को कहते हो कांप जाता है, लेकिन इनको तो आती नहीं है अरबी। नहीं, यहाँ कोई कांपता नहीं है, यहाँ हाँप जाते हैं। तो अल्लाह तौफीक दे, बहरहाल अगर जो लोग रोके हुए हैं, जानबूझ के रोके हुए हैं, तो वो जुल्म है। और अगर कोई उनकी आगे मजबूरी है कि उन्हें ग्रांट नहीं मिल रही है तो वो इसका ऐलान कर दें ताकि अगला सोच ले कि मैं जारी रखूँ या ना रखूँ। वैसे अमूमन हमने देखा है, ये तो खैर जनरल एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि धरने की जो आपने बात की, मैंने बहुत सारे इदारों में भी देखा है धरना जब देते हैं तो उनको सैलरी भी नहीं मिलती और निकाल देते हैं, यानी उल्टा मामला हो जाता जी। कुछ और बताएं, धरने के लिए तो कंटेनर भी चाहिए। इसका वैसे सही हल बीवियों से पूछिए क्योंकि उनको शोहरों से निकलवाने का तजर्बा होता है। नहीं, उलमा को बोलने थे, आपने क्या बोलने? आप बताएं, बता दें। देखिए, मैंने एक शमय शबिस्तान रदा में वजीफा पढ़ा था कि जो मतलब सूरह कौसर को पढ़ते हुए होल अब्तर की जगह उस बंदे के नाम के साथ अब्तर लगाए, अब्तर अब्तर अब्तर। नहीं नहीं, ये जो कुरान में ये गलत है, मैं नहीं मानता कि ये आप पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। वैसे कोई दुआ ही बता दें, आप तो बता दें कोई दुआ। इसमें अगर मकसूद हासिल करने का जो बुजुर्गों ने लिखा है सबसे बेहतरीन, तो ये आयत करीमा का वर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभाना कन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। सब आयत करीमा का वर्द करें भाई। एक और तरीका जी, चीफ जस्टिस साहब से रابطہ किया जाए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उलमाए किराम का। अल्लाह मतलब कोई गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, और मखदूमाए कायनात के यौम मुबारक के हवाले से आपके लिए भी और पूरे वतन के लिए दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, कारी रहमान जावेद साहब, जनाब रमज़ान शिपा साहब, जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, जनाब आसिफ शाह साहब। मैंने अज़राए तफन्नुन बात की थी, वैसे तो हम सब खुशी हैं, हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। ये अज़राए तफन्नुन बात की है, हम सब यहाँ पर बहुत खुश हैं, हमें वक्त पर तनख्वाह मिलती है, वक्त पर हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। इससे अच्छा इदारा और भी बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन ये एक मिसाली इदारा है, मिसाली इदारा। तो आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सहर की ट्रांसमिशन में दोबारा मुलाकात होगी। आज ऐसे नहीं चलेगा, नहीं है, क्योंकि जुम्मे यानी हफ्ते और इतवार को नहीं होता है, तो आज मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी रात को, तो मुझे आज थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो मैं वो आराम करूँगा। लेकिन क्या माशाल्लाह हमारा इदारा है। अल्लाह हाफिज़।